सो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस आज की बात में कि आप पोको F5 5G मोबाइल में दोस्तों आप डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगाना, तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट कर पाएंगे। तो फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, और जैसी सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों आपको पहले एक स्क्रीन लॉक सेट कर लेना है। दोस्तों वो आप पिन में बनाए या पैटर्न में कोई भी एक लॉक सेट कर लेंगे, तो यहाँ से हम दोस्तों पैटर्न को सेट कर लेते हैं। और यहाँ से आपको गो डिटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो डिटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ से पैटर्न सेट कर लेना, फिर से आपको सेम पैटर्न वही कंफर्म करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों आपके मोबाइल में बता रहा है कि आप अपने फिंगर से फिंगर को टच करके स्कैन करवा लीजिए, तो यहाँ से हम करवा लेते हैं स्कैन। और जैसे दोस्तों ये हमारा स्कैन हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फटाफट। और आप भी अपने मोबाइल में फिंगर से फिंगर को टच करके आप अपने मोबाइल में ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों डन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और हमारे मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक था वो फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो चुका है। दोस्तों मैं मोबाइल को लॉक करता हूँ, और लॉक करने के बाद दोस्तों फिंगर को टच करता हूँ और हमारा जो मोबाइल है वो दोस्तों अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाएंगे। तो वीडियो सुनने के मिले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।